स्वागत है आपका टुडेज के हमारे कार्यक्रम में। आज हम फिर से हाजिर हैं राजनीतिक गलियारों की एक नई कहानी, एक नई समाचार लेकर के। अगर राम मंदिर बनाई गई तो मोदी और योगी का सर कलम करेगा AIMIM का ये नेता। जी हाँ, मुरादाबाद AIMIM के नेता गुलाम मुस्तफा ने राम मंदिर मामले को लेकर PM मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी दे डाली है। जानकारी के अनुसार AIMIM के नेता गुलाम मुस्तफा ने मुरादाबाद के नागफनी में AIMIM की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने राम मंदिर मामले को लेकर विवादित बयान दिया। गुलाम मुस्तफा ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। होश में आ जाए वो फिरका प्रस्त ताकतें, वो RSS, शिवसेना, बजरंग दल और राम सेना, जिस दिन अली की सेना निकल गई उन्हें कोई देखने वाला नहीं होगा, उन्होंने अपने संबोधन में ऐसा कहा। गुलाम मुस्तफा ने आगे कहा कि बाबरी मस्जिद हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे बुजुर्गों की बनाई गई बाबरी मस्जिद है। उन्होंने अपने भाषण में दोबारा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी और योगी, याद रखो, अगर तुमने मंदिर बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। गुलाम मुस्तफ़ा का यह भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मुस्तफ़ा के इस विवादित बयान के बाद अभी तक विपक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। हम सभी को अभी इंतज़ार है कि विपक्ष इसको कैसे हमला करती है या उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन दोस्तों, कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी नेता हो, हमें विवादित बयान देने से बचना चाहिए। सोचने वाली बात है। आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर शेयर करें। बंद रहे हमारे चैनल के साथ। जैसे ही हमारे पास कुछ नए अपडेट्स आते हैं, कुछ नए टॉपिक्स आते हैं, हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।